सदर आरिफ अलवी ने मुल्क में नई हुकूमत बनाने के लिए ट्विटर पर तजवीज दे दी। सदर आरिफ अलवी ने ट्वीट में कहा कि मुल्क एक इम्तिहान से गुजर रहा है जिसमें जमहूरियत मीडिया एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत बनाने के लिए मिलकर काम करें। ऐसी हुकूमत तश्कील दी जाए जो पाकिस्तान की अवामी उमंगों के मुताबिक हो। जमहूरियत को मुफाद प्रस्तों के हाथों ब्लैकमेल नहीं होने देंगे और ना ही। हमजा शहबाज शरीफ की पोजीशन खतरे में है। हमजा शहबाज को मुंतखब वज़ीर आला नहीं कहा जा सकता। वज़ीर आला के तमाम इख्तियार सिर्फ अदालती फैसले तक बतौर ट्रस्टी काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा बादल नज़र में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है। हमजा शहबाज के वकील तसली जवाब ना दे सके। एडवोकेट जनरल और डिप्टी स्पीकर के वकला रूलिंग का दिफा करने में नाकाम रहे। वीकेंड के दरमियान सूरत हाल यकम जुलाई वाली हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामानी पार्टी के हवाले से 63(1)(b) के मुतालिक मुतमैन किया जाए कि 17 जुलाई के फैसले में रूलिंग के लिए दुरुस्त थी। अदालत ने सवाल उठाया कि अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग 17 जुलाई के फैसले की रोशनी में गलत है तो फैसला क्या होगा। डिप्टी स्पीकर के वकील अरफान कादर ने सवालों का जवाब देने के लिए मोहलत मांग ली। मजीद समात पीर को होगी डिप्टी स्पीकर रिकार्ड समेत इस्लामाबाद भी तलब। अदालत ने कावली के सरबरा चौधरी शुजात का भी खत तलब कर लिया। आर्टिकल 63 पर सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त फुल कोर्ट बेंच सुने। साद रफीक का लाहौर में लिबर्टी चौक पर योम यकजहती जलसे से खिताब। बोले हुकूमत को धकेल कर निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आने देंगे। प्रोजेक्ट इमरान खान के सुलत कर आज भी इदारों में सरगरम है। लोग न्यूट्रल होने इनको तैयार ही नहीं। नतीजा इनसे मुतसादम फैसले हैं। मुस्लिम लीग नून के रानमा तातारल ने कहा कि अगर फैसला दुरुस्त ना आया तो नहीं मानेंगे। तो शाखाना बनी गाला फरागोगी का पहले हिसाब दिया जाए। बहुत हो गया एक तरफा फैसले ना मंजूर। मरियम नवाज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद। कहा अगर जोर दम की दबाव में आकर बार बार एक ही बेंच से मखसूस फैसले करने हैं, अगर अपने ही फैसले की नफी करनी है, सारा वजन एक ही पलड़े में डालते हैं तो ऐसे एक तरफा फैसलों के सामने सर झुकाने की तवक्को ना रखें। इंतशार अदम इस्तकाम इस फैसले से शुरू हुआ जिसमें ऐन की मनमानी की तशरीह की गई। अपनी मर्जी से वोट देने वालों के वोट ना गिनने का हुक्म जारी हुआ। लाडले को फिर फायदा पहुंचाने के लिए अब नई तशरीह की जा रही है। रानमा पीटीआई असद उमर कहते हैं कि मरियम नवाज इस अदालती फैसले पर बरहम है। ये फैसले से लोटू की सियासत दफन होती है। इन्हें वो वक्त याद आ रहा है जब जमीरू की बोली लगती थी और जमहूरियत खरीदी जाती थी। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग खिलाफ आइन है और मामला जल्द वाजे होंगे। अदालती फैसले के बाद इमरान खान काल देंगे। फरेख हबीब बोले और फान कादर का अदालत में जवाब तसली बश्क नहीं था। हमजा शहबाज का 1 जुलाई का स्टेटस बहाल किया गया।